अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। हर अच्छी चीज को बचाना पड़ता है। कि आलिया भट्ट के साथ तुम घूमने गए हो, हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन, पागल बनकर रहो पागल। एक ग्लास में दो स्ट्रॉ डाल के पी रहे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है, हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए। क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब। लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे, कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लिए, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में, कह रहे डिस्टर्ब है साल। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। शादी में गए हो, बोले जा रहे हो, इंडिया के राजनीति पर बता रहे हो, पॉलिटिक्स में हर आदमी तुम्हें देख रहा है, चौबे जी का लौंडा बहुत पढ़ रहा है। इस दुनिया में हर आदमी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए बैठा हुआ है। अपनी सपने किसी को मत बताओ, अपनी महत्वाकांक्षा किसी को मत बताओ, बताओ ही मत, मस्त रहो अपने में। सूरज सुबह नॉक थोड़ी करता है, जब वो चमकता है तो दुनिया खुद ही उसकी तरफ देखती है। अब जब तुम्हारी शादी हुई, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या बॉयफ्रेंड है, या तुम्हारा कोई बहुत पक्का दोस्त है, अच्छी चीजों को कभी समाज में एक्सपोज मत करो। शादी हुई, अब आमतौर पर लोग एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, एक ग्लास में दो स्ट्रॉ डाल के पी रहे। अगल बगल वालों को दिल में दर्द होता है कि अच्छा बेटा, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उसको सबसे ज्यादा विरोध करो पब्लिकली, तुमको कोई नहीं भड़काएगा। कुछ चीजों को कभी शो मत करना, शो करके मत करना, ध्यान शो करके मत करना, पढ़ाई शो करके मत करना, प्रेम शो मत करना, समाज को बर्दाश्त ही नहीं होता। अभी तुम 10 घंटा पढ़ो, अगल बगल वाले अंडरस्ट में आ जाएंगे अगर देख रहे हैं तो। इसीलिए शमशान के लिए इतनी कहानियां उड़ाई गई, क्योंकि ये जो हिंदुस्तानी ध्यानी थे, तो जब ये ध्यानवान करते थे तो आम पब्लिक आके कोई कुत्ते की हड्डी फेंक गया, कोई पत्थर मार गया, तो फिर इन लोगों ने शमशान में बैठ के ध्यान करना शुरू किया। तो आप शमशान में की कहानियां बना दी, वहां रात में पायल की आवाज आती, और जो शमशान के केयर टेकर है उनके बच्चे दिन रात वहीं रहते हैं, उनको तो नहीं आती। चाहे मुसलमान शमशान हो, चाहे हिंदू हो, उनका केयर टेकर फैमिली वहां रहती है ना। हमारा स्कूल है फातिमा स्कूल गोंडा में, तो हमारे स्कूल के जस्ट बगल में मुस्लिम कब्रिस्तान है, तो जो कब्रिस्तान के केयर टेकर थे उनके बच्चे उसी कब्रों पर खेलते थे। तुमने एक बार उस केयर टेकर से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आपको डर नहीं लगता? बोला भैया डर तो जिंदा आदमी से लगता है, ये तो सब बेचारे मर गए। जैसे तुम्हारा कार लेकर आए तुम, नई लीजेंडर, गांव ले गए, तो कुछ लौंडे क्या करेंगे, धीरे से पिन ला के से खरीदते हुए चले आएंगे। इस देश में बिगाड़ने की आदत है। नहीं कार की